Xiaomi Smart TV in the house, guys. Xiaomi का newly launched TV है, full HD TV है, and यहाँ पे आप देख सकते हो ना special box packaging आपको देखने मिलता है. And guys, box वैसे खाली है क्योंकि इसे unbox किया, use भी कर रहा हूँ पिछले कुछ time से. And आप सभी लोग बोले गए Redmi का भी Smart TV है 43 inch का full HD, तो उसमें and इसमें difference क्या है? सो गाइस, इसके अंदर वैसे ही आपको एंड्रॉइड 11 टीवी ओएस जो लेटेस्ट ओएस है वो देखने मिलता है. उसके अलावा 1.5 GB का रैम भी उन्होंने प्रोवाइड किया है एंड 24 वॉट्स के स्पीकर्स आपको देखने मिलते हैं DTS:X एंड डॉल्बी ऑडियो कोडेक के साथ. वैसे गाइस, वीडियो में ना सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड यहाँ पे बॉक्स पैकेजिंग आप देख सकते हो, बहुत ही यूनिक सा प्रोवाइड किया है. 43 ऐसा पता है रेड कलर में लिखा है. एंड यहाँ पर रेड कलर में लिखी हुई चीज़ें ना बहुत ही यूनिक सी है, इंडियाज नंबर 1 टीवी ब्रांड. एंड वैसे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी नीचे है, तो भाई उसे सब्सक्राइब कीजिए एंड रेड को ग्रे में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि बहुत सारा रेड हो चुका है. वैसे मैं क्या जोक मार रहा हूँ मुझे नहीं पता. अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस, कहना यही चाहता हूँ कि यार इतना हम लोग कॉन्टेंट पोस्ट करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि ढेर सारे वीडियोज जो आते हैं ना उसकी अपडेट आपको मिलती रहे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं. बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की है. एंड गाइस, यहाँ पे बॉक्स कॉन्टेंट में आपको यूजर मैनुअल, ट्रिपल ए बैटरीज, रिमोट कंट्रोल, एडिशनल स्क्रूज एंड यहाँ पे स्टैंड्स भी प्रोवाइड किए. तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टैंड्स है ना उन्हें हम माउंट करते हैं. काफी इजीली आप यहाँ पे स्टैंड्स को माउंट कर सकते हो. एंड गाइस, उसी के साथ डिस्प्ले के ऊपर का जो प्लास्टिक रैप है ना उसे हम रिमूव करके करते हैं इस टीवी को पावर ऑन. एंड गाइस, जब तक ये टीवी पावर ऑन हो रहा है ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेसिफिकेशंस को. एंड गाइस, यहाँ पे अनबॉक्सिंग के साथ ही सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके. सो गाइस, इसकी जो फ्रेम है ना वो कम्प्लीटली आपको मेटालिक यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया जो बहुत ही अच्छी बात है. एंड यहाँ पे जो स्टैंड्स है ना वो आपको देखने मिलेंगे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में. यहाँ पे जो बॉटम बेजल है वहाँ पे उन्होंने सेंटर में Xiaomi की ब्रांडिंग भी प्रोवाइड किए. एंड यहाँ पे जो टीवी का बैक है ना वो आपको मेटल प्लस पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ देखने मिलेगा. पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 USB पोर्ट, एक एंटीना, 3.5mm का जैक, 2 HDMI पोर्ट जिसमें से एक HDMI ARC पोर्ट है, AV-IN एंड ईथरनेट पोर्ट प्रोवाइड किए हैं. सो गाइस, जो ट्रेडिशनल 43 इंच के फुल HD TVs होते हैं ना उसमें जो फ्रेम वाला पार्ट होता है ना वो आपको मेटालिक देखने नहीं मिलता है, यहाँ पे मेटालिक उन्होंने प्रोवाइड किया है. सो बिल्ड जो है ना यहाँ पे इनऑल बहुत ही बढ़िया निकल के आती है. एंड अभी हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले को लेकर. सो यहाँ पे आपको 43 इंच का फुल HD डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया है जो यहाँ पे आता है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ. एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो पैनल है ना ये कम्प्लीटली एक IPS पैनल है. सो इसके जो व्यूइंग एंगल्स है ना वो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग निकल के आते हैं. उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने विविड पिक्चर इंजन भी प्रोवाइड किया है जिसकी हेल्प से जो कलर एक्यूरेसी है ना या फिर जो कलर गैमेट है वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया निकल के आता है. एंड गाइस, यहाँ पे जो टीवी के बेजल्स है ना वो आपको बहुत ही स्लिम देखने मिलते हैं. सो गाइस, नो डाउट यहाँ पे जो डिस्प्ले वाला पार्ट है ना वो भी बहुत ही अमेजिंग निकल के आता है. ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूँ तो Xiaomi यहाँ पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस डिस्क्लोज नहीं करता है, बट फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो सारे स्टूडियो लाइट्स हमने टर्न ऑन किए. फिर भी गाइस, इसकी जो विजिबिलिटी है ना डिस्प्ले की बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं. सो ब्राइटनेस मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, हालांकि नेट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है. एंड यस, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉइड 11 टीवी ओएस उन्होंने प्रोवाइड किया है. सो यहाँ पे जो थीम है ना वो आप देख सकते हो कम्प्लीटली न्यू रीडिफाइंड उन्होंने प्रोवाइड किया है. एंड गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ढेर सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी आपको देखने मिलेंगे. एडिशनल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर के ऊपर भी जा सकते हो. एंड गाइस, इसके अंदर है ना एडिक्वेट स्पेस है, 8GB का इंटरनल स्टोरेज उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो आप डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो. एंड गाइस, अभी हम बात करेंगे OTT एप्लीकेशंस को लेके. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने नेटफ्लिक्स को इसमें टर्न ऑन किया था. नेटफ्लिक्स पे आप हाई डेफिनेशन कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे वॉच कर सकते हो. एंड नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन में ना ऐसे हमें कोई भी लैग महसूस नहीं हुआ. उसी के साथ Amazon Prime Videos को भी यहाँ पे हमने टर्न ऑन किया था. Amazon Prime Videos भी यहाँ पे बहुत ही बटरी स्मूथ चल रहा था. एंड यहाँ पे भी आप हाई डेफिनेशन कंटेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो. एंड फाइनली यहाँ पे हमने YouTube को भी टर्न ऑन किया था. YouTube भी नो डाउट यहाँ पे बहुत ही स्मूथली चल रहा था. एंड YouTube पे यहाँ पे आप 1080p एट 60fps का कंटेंट एंजॉय कर सकते हो. तो जो OTT एप्लीकेशंस वाला पार्ट है ना वो नो डाउट इस टीवी में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है. एंड अभी हम बात करेंगे पैच वॉल को लेके. सो पैच वॉल बेसिकली वन स्टॉप हब है सारे एंटरटेनमेंट के लिए जो आपको Xiaomi टीवी यहाँ पे प्रोवाइड करता है. एंड इसके अंदर आपको पैच वॉल 4 देखने मिलता है. तो सबसे पहले यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो लेटेस्ट एंड सजेस्टेड कंटेंट यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे. एंड नीचे की तरफ यहाँ पे IPL टीम का एक डेडिकेटेड सेक्शन भी उन्होंने प्रोवाइड किया है. उसी के साथ यहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्शन देखने मिलेंगे, जैसे कि मूवीज का सेक्शन उन्होंने प्रोवाइड किया है जहाँ पे सजेस्टेड मूवीज आपको देखने मिलेंगे, शोज,
जहाँ पे आप टीवी शोज को एंजॉय कर सकते हो। लाइव वाले सेक्शन में आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लाइव चैनल्स आपको देखने मिलेंगे, आप लाइव टीवी डायरेक्टली इसमें एंजॉय कर सकते हो। एंड फिर यहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स का सेक्शन प्रोवाइड किया है, किड्स का सेक्शन आपको देखने मिलेगा, म्यूजिक एंड डिस्कवर भी। एंड गाइज यहाँ पे किड्स के लिए एक डेडिकेटेड मोड भी आपको देखने मिलता है, तो आप बच्चों को दे सकते हो टीवी भाई ले लो और किड्स मोड को ऑन करके, एंड अगर किड्स मोड को यहाँ पे एग्जिट करना है ना तो उसके लिए पासवर्ड भी आप सेट कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छी बात है। एंड प्लस गाइस पैच वॉल के अंदर है ना आपको IMDb रेटिंग भी देखने मिलती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टॉप 10 कंटेंट है ना इंडिया में जो चल रहा है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे झुंड जो है आ चुका है। IMDb रेटिंग यहाँ पे आपको देखने मिलेगी 9.0 है। प्लस गाइस यहाँ पे कोई भी एक मूवी मैं ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो IMDb रेटिंग आपको विजिबल हो जाएगी। एंड ये जो मूवी है हॉटस्टार पे है, एंड यहाँ पे और कौन सा मूवी हम लगाए हैं, ओके गाइस Z5 में भी आप देख सकते हो IMDb रेटिंग यहाँ पे आ चुके हैं। सो गाइस जो डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स है ना उसकी IMDb रेटिंग डायरेक्टली यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। एंड IMDb रेटिंग देख के आप मूवी को यहाँ पे वॉच कर सकते हो, मतलब आपको डिसीजन लेना है ना देखने या नहीं देखने, तो ये भाई साहब आपको हेल्प करेंगे। प्लस गाइस यहाँ पे पैच वॉल में ना उन्होंने मी होम एप्लीकेशन का भी इंटीग्रेशन किया है। सो जितने भी Xiaomi के स्मार्ट डिवाइसेस है ना वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। मेरे केस में एयर प्यूरीफायर यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ से मैं टर्न ऑन कर सकता हूँ या फिर टर्न ऑफ कर सकता हूँ। प्लस गाइस इसमें डिफरेंट मोड्स भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो गाइस जितने भी सारे स्मार्ट डिवाइसेस है डायरेक्टली मैं टीवी के हेल्प से यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। वैसे गूगल असिस्टेंट भी दिया, उसकी हेल्प से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे हमने प्राइम वीडियोस को टर्न ऑन कर दिया है, कोई बात नहीं, आते हैं पैच वॉल पे। एंड गाइस बढ़ते हैं डायरेक्टली कास्टिंग की तरफ, तो इसके अंदर आपको बिल्टिन क्रोमकास्ट तो देखने मिलता है, उसके अलावा यहाँ पे मीरा कास्ट भी उन्होंने प्रोवाइड किया, तो डायरेक्टली आपका एंड्रॉइड फोन टीवी के ऊपर यहाँ पे कास्ट कर सकते हो, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। बट गाइज उसके लिए आपका वाईफाई कनेक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके अलावा गाइज यहाँ पे एयर स्क्रीन सॉफ्टवेयर है, उसे हमने डाउनलोड किया था, एंड एयर स्क्रीन सॉफ्टवेयर की हेल्प से यहाँ पे हमारे जो आईफोन है ना उससे बहुत ही बढ़िया तरीके से हम कास्ट कर पा रहे थे। एंड यहाँ पे जो हमारा मैक मिनी है ना उसे भी हमने कास्ट किया था, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था। सो गाइज कास्टिंग वाला पार्ट बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। एंड अभी हम बात करेंगे बिल्ट इन गेमिंग को लेके। सो प्ले स्टोर में वैसे आपको ढेर सारे गेम्स देखने मिलेंगे, तो यहाँ पे हमने एसफॉल्ट 8 जो गेम है ना उसे डाउनलोड किया था। एंड एसफॉल्ट 8 गेम खेलने के लिए यहाँ पे आपको एक्सटर्नल ब्लूटूथ कंट्रोलर की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमने जो एक्सटर्नल ब्लूटूथ कंट्रोलर है उसे कनेक्ट किया था ब्लूटूथ की हेल्प से। एंड यहाँ पे जो एसफॉल्ट 8 गेम है ना आप देख सकते हो गेम पैड की हेल्प से बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पे इस टीवी के अंदर है ना 1.5 GB का रैम उन्होंने प्रोवाइड किया, जो बहुत ही ज़्यादा एडिक्वेट है ऐसे हाई एंड गेम्स खेलने के लिए। एंड नो डाउट गेम बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था। थोड़े बहुत बेसिक गेम्स की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि बीच बगी रेसिंग गेम जिसे आप रिमोट कंट्रोल की हेल्प से यहाँ पे खेल सकते हो। एंड बीच बगी रेसिंग गेम नो डाउट गाइज यहाँ पे बटर स्मूथ चल रहा था। सो गाइज ब्लूटूथ गेम पैड की हेल्प से या फिर रिमोट कंट्रोल की हेल्प से इसमें आप गेमिंग कर सकते हो। वैसे गाइज ढेर सारे गेम्स अभी आपको देखने मिलेंगे जो आप एंड्रॉयड टीवी में यहाँ पे खेल सकते हो, प्ले स्टोर में ढेर सारे गेम्स की अभी क्या ही बोलूं आगे। एंड गाइज ब्लूटूथ की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल ब्लूटूथ हेडफोन्स इसमें कनेक्ट कर सकते हो एंड बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए यहाँ पे कंटेंट वॉच कर सकते हो। एंड गाइज ये एक स्मार्ट टीवी है, कंटेंट पर्पस के लिए आप इसे यूज़ करोगे, तो इसके जो स्पीकर्स वाला पार्ट है ना वो भी बहुत ही क्रूशियल है। तो यहाँ पे उन्होंने डाउन फायरिंग डुअल स्पीकर सेटअप इसमें प्रोवाइड किया है, एंड टोटल आउटपुट साउंड है 24 watts का। एंड यहाँ पे आपको डॉल्बी ऑडियो एंड DTS:X कोडेक सपोर्ट भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो गाइज यहाँ पे ना एक सैम्पल वीडियो फाइल में प्ले करूंगा जिसमें आप सुन सकते हो उसकी साउंड क्वालिटी को। सो गाइज नो डाउट 24 वॉट्स के स्पीकर्स को कंसिडर करते हुए यहाँ पे जो साउंड आउटपुट है ना बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। एंड फाइनली हम बात करेंगे इसके रिमोट कंट्रोल को लेके। सो यहाँ पे ना काफ़ी कॉम्पैक्ट सा छोटा रिमोट कंट्रोल उन्होंने प्रोवाइड किया है, ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल है। एंड यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस डिज्नी हॉटस्टार एप्लीकेशंस के शॉर्टकट कीज भी देखने मिलते हैं। एंड यहाँ पे उन्होंने गूगल असिस्टेंट्स भी प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट तो भाई ये जो गूगल वाला फीचर प्रोवाइड किया उसे हम टेस्ट करते हैं। हु इज टेक अनबॉक्सिंग, अभिजीत प्रल्हाद देसाई। According to Hindustan Times, Abhijit Prahlad Desai of Tech Unboxing, the 26-year-old completed his master's in engineering in electronics and telecommunication from Mumbai. वैसे गाइस ये चीज है ना बार-बार सुनने में ऐसे दिल को सुकून मिलता है। उसके अलावा गाइस आप वेदर फोरकास्ट भी इसमें जान सकते हो। What's the weather outside? Right now in Navi Mumbai it's 30 degrees with haze. Tonight the forecast is around
एंड गाइज उसके अलावा यहाँ पे गूगल असिस्टेंट की हेल्प से है ना आप स्मार्ट होम को भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड वैसे तो गाइज है ना वीडियो में हमने हर एक एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है एंड अभी हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग को लेके। सो ये जो 43 इंच का टीवी है ना आपको अवेलेबल मिल जाएगा 25,999 रुपीज की प्राइस में। प्लस गाइज इसके साथ है ना आपको एडिशनल कार्ड डिस्काउंट्स भी देखने मिलेंगे, लिंक वैसे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कीजिए। वैसे आप बहुत ही स्मार्ट हो, डिस्काउंट्स तो आप देख ही लोगे। एंड यस वीडियो के स्टार्ट में ना मैंने Redmi TV के बारे में बात किया था, Redmi का भी स्मार्ट TV आता है 43 इंच का जो आपको 24,999 की प्राइस में अवेलेबल मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने उसकी वीडियो बना दी है। सो भाई उसमें इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें 1 GB का रैम है, इसमें 1.5 GB का रैम आपको देखने मिलेगा। उसमें 20 W का स्पीकर है, यहाँ पे 24 W का स्पीकर उन्होंने प्रोवाइड किया है। उसमें जो बिल्ड है ना फ्रेम वाली पार्ट वो आपको पॉलीकार्बोनेट की देखने मिलती है, यहाँ पे मेटालिक उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो गाइस ये 3-4 एस्पेक्ट्स है ना जो मुझे पर्सनली इस टीवी के बहुत ही बढ़िया लगे। एंड भाई 999 रुपये या फिर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको स्पेंड करने इस टीवी के लिए जो कम्प्लीटली वर्थ है। सो चेकआउट करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।